हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड चैनल। तो मैं नेहा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और वेस्ट मटेरियल बेस्ड डेकोर आइटम। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने वेस्ट थर्माकोल की शीट ली है जो पैकिंग में यूज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सबसे पहले एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ। ये वेस्ट कार्डबोर्ड है, इस पर मैंने एलिफेंट ड्रॉ कर लिया है। ये मैं 4 एलिफेंट ड्रॉ करूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैंने लिया है वेस्ट थर्माकोल की शीट और इस पर एलिफेंट पेस्ट कर दिया है ग्लू की हेल्प से। अब मैंने थर्माकोल की शीट को बोथ साइड पेस्ट कर दिया है और इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ POP ग्लू, एक बाउल और वाटर। इन तीनों को मिक्स कर दूँगी मैं एक बाउल में और इसका पेस्ट अच्छा सा थिक बना करके इस पर अप्लाई करूँगी। ये पेस्ट अप्लाई करने के बाद ही मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। देखिए, अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सैंड पेपर का इसको स्मूथ करने के लिए। अब देखिए, ये एक्स्ट्रा जो डस्ट थी वो निकल चुकी है और अब मैं इस पर ईयर अप्लाई करूँगी एलिफेंट के। ये हमारा एलिफेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर हम कलर करेंगे। कलर करने से पहले इसे पानी से एक बार वॉश कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो रिमूव हो जाए। तो अब हमने इसे पानी से अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हम कलर यूज़ कर रहे हैं। मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। आपके अकॉर्डिंग आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, हमारे क्यूट से एलिफेंट एकदम रेडी हैं। बट हम पहले इसे वार्निश करेंगे ताकि इसमें शाइन आए और जो कलर हैं ये डल ना हो। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एकदम शाइन आएगी इसमें, कलर्स में। और इसको 1 डे लगेगा इसको ड्राई होने में। तो उसके बाद ये रेडी है डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वार्निश जो है अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और एलिफेंट जो है हमारे रेडी हैं एकदम डेकोरेशन के लिए।
आप भी ऐसे ही कुछ, अगर आपके पास थर्माकोल की शीट है, वेस्ट है और वेस्ट कार्डबोर्ड है, तो आप भी ऐसे ही डेकोरेशन के आइटम बना सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।